बुरहानपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने मौत के मुहाने पर खड़ी एक प्रसूता की जान बचाई। डॉक्टर पूनम सिंघाल ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसके पति ने अस्पताल में से भर्ती कराया। जांच में ये पता चला कि महिला के गर्भ में ही शिशु की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसे खंडवा रेफर करना पड़ता तो रास्ते में उसके जान को खतरा था, और इसी के बाद डॉक्टर्स ने महिला के पति से सहमति लेकर ऑपरेशन की तैयारी की और डॉक्टर ने महिला की जान बचा ली। आया था कि पहले ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है, दूसरा बच्चा है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही देखा गया कि ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे की धड़कन नहीं मिली, तुरंत हमको पता चला कि बच्चेदानी फट गई है। पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करके उनके घर वालों को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया और तुरंत उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। पेशेंट में खून लगभग 2-3 ग्राम ही होगा, उससे ज़्यादा था नहीं। तुरंत खून की व्यवस्था की गई, 2 खून टेबल पे ही लगाए गए और ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पेट खुला तो पता चला कि पेट में 2 से 3 लीटर खून है, बच्चा उसमें मृत है और आवल वगैरह सब पेट में ही है। तुरंत सब निकाल के बच्चेदानी जो फटी थी उसको सिलने की कोशिश की गई और सक्सेसफुली सिल पाए। हमारे सारे डॉक्टर्स ने उसमें बहुत मदद की, साथ में हमारे CS सर और RMO सर का बहुत मार्गदर्शन रहा। कितने घंटे चला ऑपरेशन? लगभग 1 से 1.5 घंटे ऑपरेशन चला। अभी क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट अभी पहले से बेटर है अभी भी, लेकिन पेशेंट को और खून चढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे ही आए हमारे आने के बाद देखा और ये जब देखा तो लगा कि ये CS के लिए जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जैसे भी बताया भी गया है कि एबडोमिनल के जब खोला गया तो 2.5 से 3 लीटर कलेक्टेड ब्लड था वहाँ पर, और पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में था। हमने इसको ऑपरेट किया, मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद भी जो लेडी है उसका ब्लड प्रेशर 70 सिस्टोलिक जा रहा था, तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत लगी, उसमें भी कोशिश की, पर अल्टीमेटली जो हमारी टीम ने एफर्ट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है और लेडी सर्वाइव कर गई। और अब नाउ जो ओरली जो खाना है ओरली सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर दी है। ऐसा लग रहा है कि हम 3 से 4 दिन में उनको डिस्चार्ज कर देंगे और वो प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकते हैं।